हेलो राधे राधे। चलिए आज मैं दिखाती हूँ मैं सॉफ्ट और फुली फुली रोटी कैसे बनाती हूँ, और उड़ीसा में रोटी को कैसे परोसते हैं और हरियाणा में रोटी को कैसे परोसते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रोटी बनाकर मैंने तवे पर डाल दी और आटे को आधा घंटे पहले भिगो के रख दिया था। हमेशा आटा आधा घंटा पहले ही भिगो के रखना चाहिए। साथ के साथ अगर रोटी बनाओगे आटा भिगोगे तो रोटी फूली फूली नहीं आएंगी और सॉफ्ट भी नहीं बनेगी। तो चलिए देखिए मेरी रोटी कैसे फूल गई और बिल्कुल सॉफ्ट रोटी है और बिल्कुल पतली सी रोटी है और बहुत अच्छे अच्छे से की है। चलिए इसके ऊपर मैं अब घी लगा देती हूँ। मैं रोटी पे घी इसी स्टाइल से लगाती हूँ। लीजिए बहुत ही अच्छी रोटी है, खा लीजिए आप भी। लीजिए ये दूसरी रोटी को मैंने बेल कर तवे पर डाल दिया था और ये रोटी भी अच्छे से फूल गई है। और बहुत ही अच्छी रोटी सिकी है। चलिए अब मैं घी लगा देती हूँ। कोई कोई रोटी में ऐसे घी लगाता है, ऐसे चम्मच रख लिया घी की भर के और दोनों रोटी को मिलाकर ऐसे घी लगाता है, लेकिन मैं ऐसे घी नहीं लगाती। और फिर प्लेट में भी ऐसे ही सीधी दो रोटी परोसते हैं। तो चलिए उड़ीसा में रोटी को कैसे परोसते हैं वो सब मैं आपको दिखाते हूँ। ये रोटी फूल गई है। और गैस को कर दूंगी मैं सिम। और ये एक चम्मच घी भर लिया मैंने और रोटी के चारों तरफ अच्छे से लगा दिया है। और इसको कर दूंगी अब मैं फोल्ड और फिर उसके ऊपर से घी लगा दूंगी। और इसको कर दूंगी एक और फोल्ड। और रायपुर में रोटी को ऐसे परोसते हैं जब रोटी खाते हैं। तो चलिए हम तो रोटी को फोल्ड करके परोसते हैं जब हम खाना खाते हैं या कोई खाने पे आता है। तो आप कमेंट करके बताइए आप रोटी को बिल्कुल सीधा परोसते हैं या फोल्ड करके परोसते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी या नए कोई आइडिया के साथ या नई कोई कुर्ती डिज़ाइन के साथ या नई कोई गोपाल की ड्रेस के साथ। राधे राधे।